आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अनाउंस की है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मीडिया पर्सन का जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज हमने इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हमने टाइम टू टाइम मिले हैं और उनसे कहा है कि हमारे ये मसले हैं, इसके लिए हम काफ़ी देर से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। सरकार ने हमें बड़ी एश्योरेंस दी कि हम आपके मसले हल करेंगे, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें जो भी हमारे ऑफिसर साहब आए उन्होंने हमें हमारे सिवाय एश्योरेंस से कुछ नहीं दिया। हमारे मुलाजमों के मसले खास करके डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट के रीऑर्गेनाइजेशन पिछले 45 साल से नहीं हुई है, तो हमें इसके खाली एश्योरेंस या बातें हुई और कुछ नहीं मिला। डेली बेसिस का मसला था, नीड बेस का मसला था, डेली बेसिस पर परमानेंट के लिए सरकार ने कहा कि हमने पॉलिसी बना भी दी है, लेकिन वो पॉलिसी जो है वो अभी अधूरी है। इसके लिए सरकार ने जो सरकार कह रही है कि हम उनको पूरा इनको ग्रेड नहीं देंगे बल्कि कंसल्टेंट पे भी इनको परमानेंट करेंगे, जो कि टॉलरेबल नहीं है। और हमारे जो सेंटर जो स्टोर है स्टेट डिपार्टमेंट के, उनकी ऑप्शनिंग का मसला था, वहाँ जो 2014 में जो फ्लड आया है, हैवी फ्लड में बहुत सारे स्टोर की आइटमें जो बह चुकी हैं और वहाँ हमारे मुलाजमों को नुकसान हो रहा है। उसके लिए आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल में हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाया है, जबकि वो चिल्ला रहे हैं हमारे कश्मीर बेस्ड जो हमारे यूनिट्स हैं वो चिल्ला रहे हैं कि हमारा ये इसका ऑक्सीजन का मसला करो हल करो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। सर अपने नाम तो और डेफिनेशन डेढ़ दो मिनट की बस। ठीक है जी सर, आपका नाम? माय सेल्फ जगपाल शर्मा, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ जम्मू कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉई कोऑर्डिनेशन कमेटी का। हमने टाइम टू टाइम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने मसलों को लेकर के नोटिस दिए, लेकिन हमारी सरकार ने हमारे मीटिंगें जरूर की लेकिन उसका हल नहीं निकाला। जिसका हमारा खास इशू है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, डेली बेस की रेगुलेशन, नीड बेस की रेगुलेशन। सरकार ने पीछे एक पॉलिसी बनाई, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं सरकार के, लेकिन सरकार ने उसके लिए इनका जो कहा है कि हम इसका पूरा ग्रेडिंग देंगे बल्कि इनको कंसोलिडेटेड पे पे इनको परमानेंट करेंगे। इसके साथ साथ सिविल सेक्टर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई यूनियन जो है उन्होंने क्या किया है, एक तरह से वो कहते हैं वो जो सेक्टर के जो सेक्टर में आउटसाइड डिपार्टमेंट के लोग अटैच हैं उनको डिटैच किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे वो साथी भूल गए हैं, उन्होंने अपनी यूनियन का नुमाइंदा हमारे सेंट्रल फिक्स स्टोर जो स्टेट डिपार्टमेंट का है उसको उधर लगा दिया है, जो कि हमारे स्टेट डिपार्टमेंट जो रूल है उसकी टोटली वायलेशन हो रही है और हमारे मुलाजिम में ज़बरदस्त इसकी रिजेंटमेंट है। हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस दिया है सारे मसलों को लेकर के कि इसको 12 और 13 जो हमारे प्रोटेस्ट का दिन है और तब तक हल कर लीजिए, अगर नहीं करते हैं तो 13 तारीख के बाद हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले जाएंगे और इसके लिए जो जिम्मेदार है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम